जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि SF की वैकेंसी आ गई है, जिसके फार्म भरे जा रहे हैं। जिन्होंने नहीं भरा अपने फार्म जाके साइट पर भर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि SCM की तैयारी किस प्रकार से करें, SCM में क्या क्या होता है, SCM का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो आपको सबको पता होगा, पिछली वीडियो में हमने डाल दिया है। ठीक है, अब एक बार हम बता दें थोड़े सी हिंट के तौर पर SCM की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि SCM का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो SCM का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें पूरे टोटली अर्धसैनिक बलों की वैकेंसी आई हुई है SCM में, ASI तथा SCM की, जिसमें ASI की स्टेनो की है, SCM की मिनिस्ट्रियल की है, जिसमें क्या होता है, पहले फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और मेडिकल और DB होगा साथ में, ये चीज़ होती है। ठीक है, और मेरिट है जो केवल जो आपका CBT होगा उसके आधार पर लगती है। तो हम बात करने वाले हैं आपकी स्ट्रेटजी वीडियो पे। स्ट्रेटजी वीडियो का मतलब ये कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये सब बताएंगे, और कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो थ्योरी पढ़ लेंगे फिर उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, वो चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो हम बताते हैं, आप पहले शुरू करते हैं क्या कि CBT में क्या क्या आता है वो बात करते हैं। तो CBT में 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं, 20-20 नंबर के सब्जेक्ट आते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं, और टाइम कितना मिलता है, 1 घंटा 40 मिनट, ना तो नेगेटिव मार्किंग है ना कुछ है, ये जरूर ध्यान रखें। तो पहले आपको सब्जेक्ट बता दें, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, एक तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। आपकी आएगी रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और क्या होता है क्लेरिकल एप्टीट्यूड, ये क्या होगा, 20 नंबर 20 क्वेश्चन के। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और आगे कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 में से क्या हो गया कि 20 नंबर में, तो 5 क्या हो गए, 20-20 नंबर के मिला के कितने हो गए, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए। टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा 40 मिनट का टाइम मिलेगा, और हम बात करें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, 100 नंबर का एग्जाम होगा, इसलिए आप कट ऑफ कई सारी देख सकते हैं, उसमें भी 100 नंबर में से कई बार 90, 85 मिनट जाती है अदर अदर कैटेगरी की। हम बात करें किसकी, अब जो CFF का एग्जाम होना है ना, CFF के एग्जाम में टोटली जितनी भी अर्धसैनिक बल आते हैं, CFF की अर्धसैनिक बल है उस सबका SCM की वैकेंसी है, और कौन कंडक्ट करा रहा है, BSF कंडक्ट करा रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, BSF SCM नाम पड़ गया, इसलिए SCM ASI, क्योंकि BSF की वैकेंसी नहीं है, BSF की वो है, मतलब BSF अकेले की वैकेंसी नहीं है, एक पूरे अर्धसैनिक बलों की वैकेंसी है, जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी, जिस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे उस हिसाब से मेरिट जाएगी। अब बात करें हम आपको पढ़ना किस प्रकार से, देखो इसमें GKGS है नहीं, GKGS के तौर पर कंप्यूटर समझ लीजिए, जिसने 4 सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर लिए और साथ में कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया, उसका सिलेक्शन है, माइनस मार्किंग है नहीं, सब तुक्का मार के आएंगे, जरूर ध्यान रखें। तो आप बता दें पहले सिलेबस के बारे में, पहले सिलेबस क्या आएगा, तो हिंदी इंग्लिश में से आपको पता है कि एक चीज़ चूज करना है, तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही चूज करेंगे, इंग्लिश कम बच्चे चूज करेंगे, तो हम हिंदी बताते हैं, हिंदी पर फोकस करते हैं, पहले हिंदी का सिलेबस देख लीजिए। तो हिंदी का सिलेबस जैसे UP+ का सिलेबस आता है ना, वैसे ही हिंदी का सिलेबस है, जैसे UP+ में पूछी जाती है वैसे इसमें हिंदी आती है, बस उसमें 37-38 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या क्या आएगा, हिंदी में आएगी सामान्य हिंदी की जानकारी, हिंदी की जानकारी, ठीक है। दूसरा क्या है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान का मतलब है कि वर्णमाला आएगा, जैसे तद होता सम आएगा, पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, काल वाच्य, अव्यय उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां और तथा क्या होगी, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार इत्यादि, ये सब पूछे जाएंगे। और इसके बाद क्या आएगा, अपठित बोध मतलब कि एक गद्यांश दिया होगा, उसका आपको क्वेश्चन उत्सन होंगे, उसको करने पड़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन आते हैं उस पर, ठीक है। प्रसिद्ध कवि, उनकी लेखक, प्रसिद्ध कवि और लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है। और जो पुरस्कार दिए गए हिंदी में वो भी आएंगे, और विविध, इसका जो भी विविध दिया होगा टोटली मिला के वो आएगा, ये हिंदी का क्या है आपका सिलेबस है। आगे हम बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग दो भाई सब में कॉमन होती है, लगभग सब में कॉमन है, जैसे इसमें है, दिख रहा होगा आपको भी, दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ, वर्बल नॉन वर्बल, एनालॉजी, सिम्बोलिक ऑपरेशन, सिम्बोलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड फिगर्स एनालॉजी, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, बेन डायग्राम, सिम्बोलिक नंबर क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, जो रीजनिंग होती है जो SSC GD में आती है, जो UP+ में आती है, वही रीजनिंग, UP+ से थोड़ी कम। तो ये आपको दिख रहा होगा, सिलेबस भी दिख जगह होगा किसका, रीजनिंग का। आगे हम बात करें किसकी, अब बात करें हम कि जो न्यूमेरिक, मतलब कि जो मैथ होता है, क्लेरिकल की बात क्या होता है, क्या दिया गया, एक न्यूमेरिक एप्टीट्यूड,
न्यूमेरिक एप्टीट्यूड यानी मैथ, सीधी बात है। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड क्या है, मैथ 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्या क्या है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम फंडामेंटल, फंडामेंटल अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब अर्थमेटिक टोटली आ गई, ये औसत आ गया, परसेंटेज आ गया, मतलब लाभ हानि आ गई, सब आ गया इसमें अर्थमेटिक में, जरूर ध्यान रखें ट्रू होता है ठीक है। एलजेब्रा, एलजेब्रा समझ गए, एलजेब्रा आएगा, जियोमेट्रिक ठीक है, और मैस्कुलिनिस, ये मतलब सब आ गया इसमें से, टिकोनोमेट्री, स्टैटिक, चार्ट, ये सब कुछ आ गया ठीक है, मेंसुरेशन भी है इसमें साथ में। तो आप सीधी सीधी बात है, एसएससी जीडी से भी ज़्यादा इसमें क्या है, सिलेबस है किसका, मैथ का भी, क्योंकि एसएससी जीडी में ये चीज़ जो मतलब कि जियोमेट्री नहीं आती है, एलजेब्रा नहीं आता है, टिकोनोमेट्री नहीं आती है, स्टैटिक चार्ट नहीं आता है, और मेंसुरेशन नहीं आती, ये जरूर ध्यान रखें ठीक है। मेंसुरेशन में केवल 2D आते हैं, 3D आते हैं, इसमें सब आएगा सिलेबस ठीक है। हम इसकी आगे बात भी करेंगे क्या क्या पढ़ना है आपको। अब हम बात करें क्या लेकर न्यू एप्टीट्यूड में बात करें, जो अल्फाबेटिक फिलिंग जो मतलब कि खाली खाली आते हैं, ये रीजनिंग का ही पार्ट है, मैथ और रीजनिंग का पार्ट होता है, मतलब क्लेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग और मैथ का ही पार्ट होता है, आपने अगर रीजनिंग और मैथ कंप्लीट कर ली तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें ठीक है। अल्फाबेटिक फिलिंग ये क्या है, अटेंशन टू डिटेल ठीक है, और क्या है, डेटा चेकिंग, और क्या है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीड स्पेलिंग चेकिंग, और क्या दिया गया, अदर मतलब इशूज, इसका सिलेबस है किसका, क्लेरिकल एप्टीट्यूड का, जो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड होता है। आगे बात करें हम कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो टोटल जैसे दिल्ली पुलिस में जो कंप्यूटर आता है और अदर जो स्पेशल दिया जाता है वही कंप्यूटर इसमें दिया गया है, जरूर ध्यान रखें। दिल्ली पुलिस का सेम जैसा कंप्यूटर है वही इसमें दिया गया है, जैसे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, जो बेसिक कंप्यूटर का फंडामेंटल होता है वो है, दूसरा उसकी हिस्ट्री, कंप्यूटर की हिस्ट्री, हर जहां भी कंप्यूटर आएगा उसकी हिस्ट्री जरूर आएगी, और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, आगे क्या होने वाला कंप्यूटर, AI जो भी है उसके बारे में पूछा जाएगा, और क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी, वो पूछी जाएगी। ये आपका सिलेबस मैंने बता दिया, आपने देख लिया, वो ये बिल्कुल नोटिफिकेशन में छाया हुआ सिलेबस है। अब हम बात करें बुक की, बात करें आपको किस प्रकार से पढ़ना है, पहले बुक के बाद में बता देंगे, पहले आपको पढ़ना किस प्रकार से, पहली चीज आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, चाहे आप बुक से कीजिए, चाहे कहीं आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, वहां से सिलेबस कवर कीजिए। पहला चीज है सिलेबस का कवर करना, जिस बुक से भी, बुक से करना चाहे, बुक से ऑनलाइन करना, ऑफलाइन करना, जहां से चाहे वहां से कर सकते हैं सिलेबस कवर। दूसरा रिविजन, तीसरा मॉक टेस्ट, और प्रीवियसर क्वेश्चन, ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि वो सिलेक्शन प्रोसेस, वो भर्ती वाले अलग है, पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन इस प्रकार से होगा, पढ़ना आपको इस प्रकार से जब सिलेक्शन होगा, यानी सीधी सीधी बात, पढ़ना इस प्रकार से, पहले आपको सिलेबस कवर करना है, सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसका रिवीजन करना है, रिवीजन कवर हो जाएगा, फिर मॉक टेस्ट, और साथ में आपको प्रीवियसर क्वेश्चन पढ़ने, मॉक टेस्ट लगाते रहना, साथ में प्रीवियसर क्वेश्चन पढ़ने हैं। मॉक टेस्ट जब लगाना है, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, प्रीवियसर क्वेश्चन जब पढ़ने, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, जरूर ध्यान रखें, पहले से लगाओगे मॉक टेस्ट और रिवीजन, मतलब प्रीवियसर क्वेश्चन पढ़ोगे, आप डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि हमें आ ही नहीं रहा है, तो हमें पढ़ा ही नहीं है, ये चीज हो जाती है, जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करें बुक से, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते, कौन कौन सी बुक से पढ़ें, अलग अलग बुक है, अलग अलग सब्जेक्ट, एक व्यक्ति की बुक नहीं है, मैं बताऊंगा ठीक है, अच्छी लगे तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ठीक है। तो बात करें मैथ की, तो मैथ के लिए मैं आपको एक SD यादव की बुक प्रेफर करूंगा, बेस्ट यादव की बुक देख रही हो, बहुत अच्छी बुक है। मैं भी जब कोचिंग पढ़ाता था मैथ की, मैंने भी कंपटीशन की 3 साल कोचिंग पढ़ाई है, तो उसमें भी मैं SD यादव की बुक से ही पढ़ाता था, बहुत बढ़िया है। अगर सीखने के लिए मैथ देखी जाए तो SD यादव की बुक है, देख रही होगी, इसमें टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दिए हर चैप्टर के, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीखने के लिए ठीक है। इसमें टोटली मैथ दी गई है, जो जो चैप्टर है वो टोटली मैथ दी गई है इसमें ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे हिंदी की, तो हिंदी से आप दो दो बुक से पढ़ सकते हैं, दो या तीन बुक से पढ़ सकते हैं, हिंदी लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, वो भी बढ़िया है। एक है क्या है, RW की बुक आती है, उत्तर प्रदेश पुलिस से, हिंदी के नाम से आती है, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो हिंदी है वही आपकी SCM के लिए हिंदी है, जरूर ध्यान रखें ठीक है। तो दोनों बुक्स आपको ये पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, अच्छा कंटेंट दिया है दोनों में ठीक है। आगे बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए एक RW की बुक आती है, दिल्ली पुलिस के लिए बनाई गई थी, वो भी बुक सेम दिल्ली पुलिस का सिलेबस है, वही सेम इसका SCM का है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो नवीन सर की एक प्लेलिस्ट है जो दिख रही होगी आपको, वो दी गई है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे, वहाँ के जाके आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि पढ़ सकते हैं, 43 क्लास हैं वो पढ़ सकते हैं, टोटली क्या दी गई, कंप्यूटर दी गई, वही आपको
एक बुक में भी आएगी, वही आप बुक में ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग की आप पढ़ सकते हैं। देखो दो किताबें बताऊंगा मैं, एक तो केपी बहादुर की आती है, एक किरण पब्लिकेशन की आती है। किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक है जो, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। एसएससी के टोटली क्वेश्चन दिए गए हैं, वही हर एग्जाम में आते हैं रिपीट होकर क्वेश्चन, जो एसएससी देती है वही लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं, वही क्वेश्चन आएंगे, तो आप पढ़ सकते हैं सभी को। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका सिलेबस हो जाए तो फिर आपको मतलब कि मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, साथ में प्रीवी सर के क्वेश्चन देखना है। तो प्रीवी सर के क्वेश्चन देखने के लिए आप जरूर मैसेज करेगा, प्रीवी सर के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो उसके लिए मैं बेस्ट बुक बताऊंगा। अगली वीडियो आएगी अगर तो बेस्ट बुक जरूर बताऊंगा, आप कमेंट करेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।